वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई चैनल नेम इज स्नेहा टेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखेंगे सुहानी सुबह। कि आपने सुहानी सुहानी सुबह देख ही ली है, तो अभी मैं मेरा एनर्जी ड्रिंक बन रहा है एक साइड में। अगर आपने एनर्जी ड्रिंक का वीडियो जो है वो देखा नहीं होगा तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी। गाइस, मेरा रूटीन ही ये है कि मैं मॉर्निंग 7 o'clock को उठ जाती हूँ और हमारा एक 3 friends है हमारा, हम लोग का वॉकिंग का एक रूटीन अभी सेट हो गया है। हमारा मॉर्निंग वॉक रहता है, उसके बाद घर में आके थोड़ा किचन का काम कर लेती हूँ मैं। आप अभी देख ही रहे हो मेरा किचन, जस्ट मैंने अभी सब क्लीन किया है मॉर्निंग को, अभी आई हूँ वॉक से। उसके बाद थोड़ा बर्तन थे तो वो भी क्लीन कर लिए, किचन क्लीन कर लिया, पानी फिल किया। मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन है, जब तक मैं मेरा पूरा क्लीन नहीं कर लेती तब तक मैं कुकिंग नहीं कर पाती। और अभी जस्ट लॉन्ड्री भी किया है मैंने आज, तो आज थोड़ा लॉन्ड्री लेट ही हुआ है मेरा, क्योंकि मैं 2-3 दिन में एक बार लॉन्ड्री करती हूँ। भी कैसा है ना, अगर हम लोग डेली लॉन्ड्री करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा हमें चार्जेस ज़्यादा आ जाते हैं, और इसी बहाने हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी सेव ही हो रहा है कुछ ना, हम हमारे हिस्से से भी कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी सेव किया जाए। तो 2-3 दिन में एक बार लॉन्ड्री कर लेती हूँ। तो यस, मेरा आज मॉर्निंग का मैंने पहले लॉन्ड्री किया, किचन पूरा क्लीन किया, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरा चिकन पराठा की रेसिपी। चिकन पराठा बनाने के लिए लगने वाली सामग्री देखेंगे, ऑयल, ये है ब्लैक पेपर जो मैंने एक मेरा कंटेनर्स थे उसमें निकाले, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के, उसमें मैंने पाउडर बना के रखे हैं, ये है ब्लैक पेपर पाउडर, टर्मरिक, ये चिकन है, बोनलेस चिकन लिया था मैंने, और इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा घुमा के लिया है, भून के लिया है, और ये है आमचूर पाउडर, ये है हिंग जो हम ऐड करने वाले हैं, ये है मैदा और गेहूँ जो रहता है उसका मैंने आटा बनाया है पराठे के लिए मिक्स करके, ये कर्ड है, 2 चम्मच कर्ड लिया है, जिंजर गार्लिक कद्दूकस करके लिया है, बारीक चॉप ऑनियन और चिली लिया है मैंने, आप देख सकते हो बारीक चॉप करके, ये है कोरिएंडर और करी लीव्स बारीक चॉप करके लिए हैं, नमक, और ये मैंने जो कोरिएंडर के सीड्स रहते हैं वो मैंने बारीक भून के लिए हैं, और ये है चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब हम जो चिकन का जो स्टफिंग है जो पराठे में हमें फिल करना है वो हम बनाएंगे। ये मैंने रॉ चिकन लिया है, आप देख सकते हो इस तरह से वो अच्छी तरह से भून के हो जाता है अगर मिक्सी में आप 2 मिनट घुमा लेते हो। अब हमें इसमें ऐड करने हैं चिली और ऑनियन जो मैंने बारीक चॉप करके लिए थे, अब हमें इसमें ऐड करने हैं कोरिएंडर और करी लीव्स जो हमने बारीक चॉप करके लिए थे, अब हमें इसमें कद्दूकस किए हुए गार्लिक और जिंजर ऐड करने हैं, अब हमें इसमें ऐड करना है कोरिएंडर सीड्स, अब हमें इसमें ऐड करना है कर्ड, तो मैंने 2 चम्मच कर्ड लिया था, ज़्यादा भी कर्ड नहीं लेना है, अब हमें इसमें ऐड करना है आमचूर पाउडर, थोड़ा सा ऐड करना है, 1/2 स्पून, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा टर्मरिक, 1/2 स्पून टर्मरिक चिली पाउडर और जो ब्लैक पेपर पाउडर हम अभी ऐड कर रहे हैं, ये ब्लैक पेपर ऐड किया मैंने, ये जो ऐड कर रहे हैं हिंग, ये सब पाउडर्स ऐड कर रहे हैं वो हमें 1/2 चम्मच के हिसाब अंदाज से आपको ऐड करना है, हिंग 1/2 से 1/2 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं, ये चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो, ये स्टफिंग है, अब हमें इसे 1/2 आवर
अच्छे से मिला के हाफ एन आवर मैरिनेशन के लिए रखना है। और मैरिनेशन हो जाने के बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आपको प्रॉपरली ये रेसिपी के बारे में पता चले कि चिकन पराठा स्टफिंग कैसे बनाया जाता है और चिकन पराठा बेला कैसे जाता है। अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो आपको प्रॉपरली आपको सारे टेक्निक्स ट्रिक्स पता चलेंगे। आप देख सकते हो अगर अपने रॉ चिकन आप पीसेस लेते हो तो वो अच्छी तरह से आप मैरिनेट नहीं कर पाते हो एवरी चिकन के एवरी सेशन सेक्शन में। तो आप अभी देख सकते हो अच्छी तरह से हमने जो जो मसाले डाले अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं क्योंकि मिक्स हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है चिकन हमने लिया था वो भून के लिया था, वही एक रीज़न है कि अच्छी तरह से सारे जो मसाले हैं वो चिकन को लग गए हैं। हम देख सकते हैं बहुत ही प्यारा टेक्सचर आ चुका है। अभी इसे हम थोड़ा हाफ एन आवर मैरिनेट करने के लिए रखेंगे और इसमें थोड़ा सा अभी ऑयल ऐड करेंगे हम, ऑयल बटर या घी। आप ये तीन ऑप्शन है, इसमें से जो भी आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। मैंने ऑयल ऐड किया है, और सबसे एंड में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा भी नहीं थोड़ा सा, और अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम देख सकते हो बहुत ही एक प्यारा स्टफिंग बन गया है, ज़्यादा पतला स्टफिंग नहीं बना है कर्ड ऐड करके भी। और अभी मैरिनेशन के बाद तो और ही वो अच्छे से मिल जाता है, जो टेस्ट है बहुत बहुत अच्छा और स्वादिष्ट एक अरोमा मुझे अभी आ रहा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन किया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। हम देख सकते हो इस तरह से, और ये चिकन जो है वो अभी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है हाफ एन आवर। तो हमें अब इस चिकन को ऐड करना है और अच्छे से कुक करके लेना है, क्योंकि रॉ चिकन जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते परोठा में, क्योंकि वो अच्छे से कुक नहीं हो पाएगा। फिर ऑयल में मैंने ऐड कर लिया है चिकन को, और फ्लेम थोड़ा सा इनिशियली हमने थोड़ा सा लो रखना है क्योंकि हमने कर्ड ऐड किया था और वो जो कर्ड है वो थोड़ा सा वाटरी रहता है उसमें सेशन, उसके वजह से ऑयल आपके बॉडी पे उड़ सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे ही फ्राई करके लेना है अच्छे से चिकन, एक 5 मिनट कुक करके लेना है। और अभी इसको अच्छे से ढक के रखना है कुक होने तक, हाई फ्लेम नहीं रखना है, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे रखना है क्योंकि कुक होने के लिए रखा है हमने। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने चिकन जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया था वो अभी अच्छे से कुक होने देना है। तब तक हमने ये जो आटा है हमने बेल लिया था डफ, आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा हमें एक प्रिपरेशन करके लेना है। वो किस तरह से बेलने के पहले, पराठा बेलने के पहले आटे का प्रिपरेशन करना है वो किस तरह से करना है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हो इस तरह से हमें अच्छे से बेल के लेना है। मैंने मेरा घर का बनाया हुआ घी है वो भी मैं पूरे पराठे के ऊपर ऐसे स्प्रेड करूँगी हाथों से। आप चाहिए तो ब्रश या आपके पास स्पून है तो आप कर सकते हो उसके मदद से, हाथ से मैं इसलिए कर रही हूँ कि प्रॉपर वो फैल जाता है, किनारों में भी अच्छे से फिल करना है। आप देख सकते हो, और अब हमें
इसे फोल्ड करना है। ये घी स्प्रेड करने के बाद इस तरह से हमें फोल्ड करके, आप देख सकते हो, और अभी हमें इसके दो हिस्सों में पार्टीशन करना है और इस तरह से राउंड करके इसका पराठे के लिए डॉ बनाना है। इस तरह से आप देख सकते हो, ये मैंने दो डॉ बना के लिए हैं ताकि पराठा जो है उसमें लेयर्स अच्छे आए, चिकन भी अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। इस तरह से हमें इसे डॉ बना के लेने हैं। अब हम चेक करेंगे चिकन का स्टेटस। आप देख सकते हो वो अच्छे से भून के हो गया है, कलर भी बहुत गोल्डन अच्छे से आ गया है, जैसे भुर्जी रहता है उस काइंड ऑफ चिकन अच्छे से कुक हो गया है, एकदम सॉफ्ट, ताकि वो थोड़ा भी कच्चा ना रहे। चलिए अब हम पराठा बनाएं। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने एक सूखा आटा लिया है, ये हमारे डॉफ रेडी है पराठे के लिए, और ये है स्टफिंग। आप देख सकते हो स्टफिंग का जो कलर है आपको थोड़ा सा गोल्डन, डार्क गोल्डन दिख रहा होगा या फिर ब्राउन, वो इसलिए क्योंकि ऑनियन जो है वो ऑयल में पूरी तरह से फ्राई हो चुका है और उसका टेस्ट भी क्रिस्पी आ जाता है। तो चलिए अब हम रेडी करेंगे हमारा पराठा। सबसे पहले ऐसे हम डॉफ लेंगे, उसे थोड़े से डुबाएंगे सूखे आटे में, और इस तरह से आपको फिलिंग जो है, स्टफिंग जो है वो फिल करना है, इसलिए आपको इस तरह से बाउल शेप में बना के लेना है और इसमें ऐसे इस तरह से फिलिंग जो है करना है। आप अच्छे से फिल करते हो पराठा तो वो पराठे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि अगर कम फिलिंग करते हो तो पराठे का टेस्ट नहीं आता। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने फुल्ली फिल कर लिया और इस तरह से मैं क्लोज करूँगी, आप देख सकते हो ये मोमोज का शेप आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमें उसी हिसाब से करना है, क्योंकि जो चिकन जो है, चिकन का स्टफिंग अलग रहता है। इस तरह से आपको फिल करना है, आप देख सकते हैं इस तरह से प्रॉपरली अभी वो फिल हो चुका है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी पराठा बनाने के, एक तो ये है जिस तरह से मैंने चिकन फिल करके ऐड किया, आप जिस टेक्निक में कंफर्टेबल हो वो टेक्निक आप अपना सकते हो। आप देख सकते हो चिकन बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो चुका है पूरे पराठे में, जैसे मैंने बेलना स्टार्ट किया है आप देख सकते हो इस तरह से। ऐसे हमारा ये जो कोने हैं वो आप हाथ से ऐसे प्रेस करके, हमारा पराठा जो है वो बेल के हो चुका है, अब हम इसे सेकेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मैंने ऑयल थोड़ा सा घी ऑलरेडी ऐड कर लिया है पैन में, और पैन का जो फ्लेम है वो भी अच्छे से ऐड कर लिया है, ये घी अच्छे तरह से स्प्रेड हो जाना चाहिए। अब मैं आपको सेकंड टेक्निक बताऊंगी, ये जो हमने ऐसे दो डॉफ लेने हैं, सबसे पहले जो एक डॉफ है, आप जिस डॉफ मतलब जिस टेक्निक में कंफर्टेबल हो वो आप बना करा कर सकते हो घर में आपके। आप देख सकते हो इस तरह से आपको पहले बेल के लेना है अच्छे, जिनको फीलिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको हल्के हाथों से बेलना है, ऐसे बेल के रखना है एक, उसके बाद ये जो सेकंड है, बहुत से लोगों को फीलिंग करने में दिक्कत आती है तो वो ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, और दोनों डॉग जो है मैंने इक्वल शेप में बेल लिए हैं हल्के हाथों से, आप देख सकते हो। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा हमारा स्टफिंग, ऐसे बीच में ऐड कीजिए, अच्छी तरह से ऐड हो जाना चाहिए।
आप देख सकते हो। और अब इस पे हमें ऐड करना है हमारा सेकंड जो हमने बेल के लिया था रोटी वो, और इस तरह से अच्छे से बंद करके लेना है और इस तरह से इसे हाथों से दबाना है ताकि वो हर तरह पे स्प्रेड हो जाए अच्छी तरह से। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से इसे बंद भी करके लिया है। इसका रीज़न यही है कि चिकन जो है वो बाहर आने के थोड़े से चांसेस रहते हैं बेलते समय, तो इसलिए ऐसे इस तरह से बंद करके लेना है। ये बहुत ही इजी टेक्निक है, जो बिगनर्स हैं जो पराठा बना रहे हैं वो किसी भी तरह के का अगर स्टफिंग है वो उनको अगर फील करने नहीं आ रहा है तो वो इस तरह से फील कर सकते हैं। और ये अच्छे से एक ही पराठा भी खाते हो तो बहुत हैवी हो जाता है। तो इस तरह से देखो, ये जो मैंने अभी थोड़ा सा सूखा आटा लगा के ले लिया है, हल्के हाथों से इसे बेलना है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से वो घूम भी रहा है। ऐसे आप कोई भी रोटी या फिर पराठा जो भी चीज़ है वैसे घूमनी चाहिए बेलते समय, तो वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है हमारा जो स्टफिंग रहता है। आप देख सकते हो स्टफिंग अब दूसरी तरह से अच्छी तरह से स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसे सेकेंगे। मैंने ऑयल एक समय स्टार्टिंग में ऐड कर लिया है इसलिए मैं फिर से ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी ऑयली या फिर ऑयल या फिर घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए खाने में। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से ये जो पैन पे मैंने ये पराठा रख दिया है, ऐसे घुमा के लेना है और ये अदर साइड अच्छे से सेकने देना है, क्योंकि ये जो दो रोटियों से बना है तो थोड़ा जाड़ा रहता है, थोड़ा साइज में भी बड़ा है, तो इसी की वजह से थोड़ा अच्छी तरह से सेक के लेना है, क्योंकि मैदा है इसमें वो कच्चा ना रहे और किसी भी तरह का कच्चा टेस्ट हमें ना आए। मैं अभी देख सकती हूँ अभी तक वो अच्छी तरह से सेक के नहीं हुआ है, जैसे ऊपरी हिस्से में बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तभी हमें उसको पलट के लेना है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए साइड में बबल आना शुरू हो गया है, बीच में से भी थोड़ा थोड़ा बबल आ रहा है, तो अभी हमें पलट लेना है। देखिए अब अच्छे से ये सेक के हो गए वन साइडेड, क्योंकि ज़्यादा हमें पलटना नहीं है वरना बहुत कड़क हो जाता है और अच्छे से हम इसे सेक नहीं पाते। देखिए मैंने अच्छी तरह से घी ऐड कर लिया है। अदर साइड भी अच्छे से सेकना है हमें। इसी तरह से ऐसे थोड़े से ये जो कड़ा है जो ये कॉर्नर्स वो थोड़े से इसे प्रेस करते, क्योंकि वो थोड़े से हमने फोल्ड किए थे तो अब हमें थोड़ा सा फ्लेम लो करना है, क्योंकि इस साइड में हमने घी ऐड किया है और हमें थोड़ा भी पलटना है। देखिए अच्छी तरह से सिक्के हो गए हैं अभी। अब इस साइड में हमें घी ऐड करना है ताकि वो ज़्यादा भी सेक ना लगे, इसके वजह से मैंने लो फ्लेम किया है, क्योंकि अदर साइड हमने थोड़ा सा घी लगाया था। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा टेक्सचर आ गया है पराठे में। इस तरह से आपका पराठा रेडी हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी मैंने सर्विंग प्लेट में हमारा चिकन पराठा जो है वो ऐड कर लिया है। उसके साथ आप दही और सॉस या फिर आपके पास पुदीना की चटनी है तो आप सर्व कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लेयर आए हैं पराठा में, ये देखिए मैंने। तो मैं आपको बताना चाहूँगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। अगर ये चिकन पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ताकि वो भी इस डिश को इंजॉय कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्नेहा टेल्स।